नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रैंडम फैक्ट्स को जानेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आपने कई तरह के फल खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे अच्छा फल क्या होता है? तो इसका जवाब है बनाना। जी हाँ, केला। कुछ लोगों के अनुसार आम या पपीता भी हो सकता है, लेकिन केले को पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। इसमें विटामिन ए, बी, B6 एवं मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं फॉलिक एसिड और विटामिन के आदि पाया जाता है। कुछ केले हमें कठिन व्यायाम करने के लिए ऊर्जा देते हैं और इन्हें खुशी देने वाला फल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर टू, AQI एक टर्म है जिसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मतलब है कि एयर कितना पॉल्यूटेड है, इसके बारे में यह हमें बताता है। तो आप अपने स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं, इसमें अलग अलग रेंज को दिखाया गया है। फैक्ट नंबर थ्री, आपने व्हेल मछली के बारे में तो सुना ही होगा। इसका वजन करीब 1400 किलो तक का होता है। इसका हार्ट एक आम इंसान के वजन से कहीं अधिक वजनी होता है। इसका हार्ट करीब 180 किलो का होता है। फैक्ट नंबर फोर, हाथी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके एक दांत का वजन करीब 4 किलो तक हो सकता है और कई शिकारियों के द्वारा इनके दांत का व्यापार किया जाता है ताकि वे पैसे कमा सके, क्योंकि हाथी दांत कीमती होते हैं। इसलिए सरकार ने इन्हें बचाने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। फैक्ट नंबर फाइव, आपने साउंड, एयर, वाटर पॉल्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन एक बार की बात है, अमेरिका में एक जगह पर कुछ लोग अचानक घर से बाहर आने लगे और उन्होंने पुलिस को बुला लिया कि बाहर ये क्या दिख रहा है और ये आसमान में क्या है। असल में कुछ शहरों में दिन रात लाइट जलते रहती है, इसका उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं था। इसलिए हमें अत्यधिक लाइट नहीं जलाना चाहिए, इसे ही लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। इससे हेडेक, थकान आदि जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, डॉग्स को कई लोग अपने घर में पालते हैं और ये ह्यूमंस के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि ये बहुत समझदार होते हैं और घर की रखवाली भी करते हैं। लेकिन कुछ खतरनाक प्रजाति के कुत्तों को लोग रख लेते हैं जिन्हें वे ट्रेनिंग नहीं देते, और फिर ये कुत्ते कई बार ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं। इसलिए अपने डॉग को सही तरीके से ट्रेनिंग जरूर दें और फिर उन्हें अपने फैमिली के साथ रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।